ही गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट. माई सेल्फ रिशिका, और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो कि सोनाली बंसल के द्वारा लिखी गई ये बुक है. तो कल मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी. इसलिए मैं अभी मॉर्निंग में आपके लिए यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिससे आपका शेड्यूल ना बिगड़े. ओके, तो कहाँ से कल हम लोग छोड़े थे, वहाँ आज हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी लेसन. तो हम लोग कल यहीं पे स्टॉप किए थे कि ट्रांसफ़र ऑफ दीवानी टू द ब्रिटिश. ओके, ये हमारा यूनिट 3 चल रहा है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मिड 18th सेंचुरी. और यहाँ पे हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ रूल करना स्टार्ट की थी इंडिया में, तो इंडिया में इसमें इकॉनमी में कैसे इम्पैक्ट पड़ी थी, हमारे इंडस्ट्रियल में कैसे इम्पैक्ट पड़ी थी. तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं. तो इसमें हम लोग पहले देख रहे हैं कि हमारे इकॉनमी में किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हो रहा है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का. ओके, तो पहली जो चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो पहले ही आप लेसन देख लो, उसके बाद ये लेसन देखना, क्योंकि एक कंटिन्यूटी बनती है. अगर आप अभी ये अचानक से एक लेसन ओपन करके देखोगे, आपको नहीं समझ में आएगा. ओके, तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से देखिए, जिससे क्योंकि हिस्ट्री आपकी स्टार्टिंग से पढ़ने की होती है. आप बीच से आओगे, आपको नहीं अच्छा लगेगा, फिर आप मुझे कमेंट करोगे कि आपने कुछ भी पढ़ा दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी समझा दिया. तो ऐसे नहीं पढ़ते हैं आप लोग. प्लीज़ स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगी. ओके, तो हम लोग अपने टाइम यहाँ पे बर्बाद नहीं करते और स्टार्ट करते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, जो कंपनी की अकाउंट थी वो अब ऐसी दिख रही थी ना, कि टेरिटोरियल रेवेन्यू, यानी यहाँ पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को जो है सिर्फ और सिर्फ पीजेंट से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था. सिर्फ और सिर्फ जो वो लोग रॉ मटेरियल इंडिया से ले रहे थे, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था. तो वो लोग अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर रहे थे. एक्सपैंड करते करते वो लोग क्या किए, जो वहाँ की लैंड रेवेन्यू थी सिस्टम, उसको अपने अंदर ले आए. और लैंड रेवेन्यू की जितनी भी रेवेन्यू आ रही थी, वो सारे ब्रिटिश वाले अपनी कंपनी के अधीन होकर वो सारे कलेक्ट करना स्टार्ट किए. साथ ही साथ कमर्शियल रेवेन्यू भी, जिसमें कि उनके बिज़नेस को काफ़ी प्रॉफिट हो रही थी. उनकी जो कंपनी थी ना, वो टेरिटोरियल कहने का मतलब कि हमारी जो इंडिया की बाउंड्री है ना, जो कि आपको देखने को मिलेगी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से भी, डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रीज से भी शेयर करती है. तो हमारी जो आउटर बाउंड्री है ना, वो बाउंड्री जो है उसको कहते हैं टेरिटोरियल. तो उस बाउंड्री के अंदर जहाँ से भी रेवेन्यू मिल रहा था, लैंड रेवेन्यू जो हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, एक कंपनी स्टार्ट की थी इसको यूज़ करना, और वो वन रीजन को स्टार्ट करती थी पे करना और दूसरे रीजन को जीत हासिल करती थी. इससे क्या हुआ ना, कि जो बंगाल के पीजेंट थे, वो एक मेन बर्डन हो गए ब्रिटिश के जीत के लिए. क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे काफ़ी नंबर ऑफ पीजेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उनका खुद का नहीं है. पहले तो काफ़ी वो अपना जितना भी उपजाते थे वो खुद ही खाते थे, खुद ही जीते थे. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, कि ब्रिटिश वाले लोग ना उनको ये समझाने लगे कि आप जो है इतना प्रोटेक्शन कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा. ओके, लालच देना स्टार्ट किए. लालच दे के क्या किए, कि उनको जो है बाद में सप्रेस करना स्टार्ट किए. तो ब्रिटिश लोग क्या सोच रहे थे ना, कि अगर पीजेंट लोग को अपने अधीन ला लेंगे, पीजेंट लोग को अगर हम लोग अपने लालच देकर अपने अधीन ले लेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो लोग ज़्यादा उपजाऊ करेंगे. ज़्यादा उपजाऊ करेंगे तो उनकी रॉ मटेरियल के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसके बाद जो इंग्लैंड में उनकी इंडस्ट्री जो डेवलप हो रही थी, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा. ओके, तो वो इस चीज़ को यूज़ करते थे और कंपनी को फिनेंस करते थे. इनसे जितना भी पैसा आता था वो कंपनी को फिनेंस करते थे. साथ ही यूरोप में भी वो पैसे को एक्सपोर्ट करते थे और चाइना में इन्वेस्ट करते थे, जिसके थ्रू वो टी और सिल्क को खरीदते थे. जो कंपनी है ना, अब वो परफेक्टली सेल्फ कंटेंट सिस्टम की तरह वो वहाँ पे रन कर रही थी. और यहाँ पे कोई भी फंड जो है इंग्लैंड से लेने नहीं दिया जा रहा था, यानी वो जो है ना इंडिया में पूरी तरीके से अब इस्टेब्लिश हो गई थी. पहले क्या था कि वो कंपनी को चलाने के लिए इंग्लैंड से पैसा भी लेती थी ब्रिटिश, लेकिन धीरे धीरे इतना ज़्यादा उनका इंडिया में रेवेन्यू आने लगा कि वो अब अपने ही सेल्फ इस्टेब्लिश हो चुकी थी और उनको इंग्लैंड से फ़ंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही थी. और ये सिस्टम कंटिन्यू होते गया कब तक, 1813 तक, जब तक कंपनी जो है मोनोपोली इस्टेब्लिश कर दी, यानी जो मोनोपोली है उनको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दी, ख़त्म कर दी. कोई एक आदमी के अंदर, कोई एक अथॉरिटी के अंदर वो उस कंपनी को नहीं था. पूरी ब्रिटिश सरकार जो है मिलकर इंडिया में कब्जा करना चाह रही थी, पूरे इंडिया के टेरिटरी को, और साथ ही सब कोई मिलकर जो है वो बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे थे. इसलिए जो ये मोनोपोली का सिस्टम था ना, उसको एबॉलिश कर दिए. जो नेटिव इंडियन कोर्ट थे वो भी वहाँ पे बिगेस्ट थे, जहाँ पे उन्होंने आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स को काफ़ी फ्लरिश कर रहे थे. इवन कि वहाँ पे बेस्ट क्राफ्ट्समैन को जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता था, उनको रोज़गार भी मिलता था. और ये जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहा था ना, इसके कारण जो कोर्ट आर्टिसन थे उनका भी जो वर्चस्व था, उन वो जितना काम करते थे उनको भी ख़त्म किया जा रहा था. तो जो टेरिटोरियल था ना,
टेरिटोरियल रेवेन्यू था वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था और उसको जो है इंडियन गुड्स को ख़रीदने के लिए यूज़ किया जा रहा था। साथ ही इसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा था ब्रिटेन में, और किस फॉर्म में? इंडियन ट्रिब्यूट के फॉर्म में। ओके, और यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ मैं लास्ट लेसन में भी बताई हूँ ये सब। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है कि आपका जो हमारा जो धन था ना वो हमारे इंडिया से निकल कर वो ब्रिटेन जा रहा था, क्योंकि जितनी भी वैल्यूएबल थिंग्स थी हमारे इंडिया की वो सारी यहाँ से निकल के तो ब्रिटेन जा रही थी। लास्टली फ़ायदा किसको हो रहा था? ब्रिटिश लोग को फ़ायदा हो रहा था। ब्रिटेन की इंग्लैंड की जो कंपनी थी ना, इंग्लैंड की जो इंडस्ट्री थी उनको फ़ायदा हो रहा था। यानी हमारा क्या हुआ? ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, यहाँ से उठ के वहाँ चला गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लिश मैन भी अर्न करने लगे, और ये कहाँ से कर रहे थे? बहुत सारी ब्राइबरी ले रहे थे, पेमेंट भी ले रहे थे जो कि शिपिंग कंपनी से, बैंक से भी पेमेंट ले रहे थे, साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी से भी जो कि इंग्लैंड में भी थी, और साथ ही साथ जो है कंपनी के रेमिटेंस भी आ रहे थे इंग्लैंड में। कंपनी के रेमिटेंस भी इंग्लैंड में जा रहे थे क्योंकि इंग्लैंड के लोग इंडिया में आ रहे थे। इंडिया में काम करके जब वो कुछ मनी अर्न कर रहे थे तो मनी अर्न करके वो अपनी कंट्री भी तो भेजेंगे ना, अपने घर भी भेजते थे मनी, तो यानी इंग्लैंड के लिए वो रेमिटेंस हो गया जो कि इंडिया से उनको जा रहा था, तो रेमिटेंस भी उनके कंपनी में जा रहा था। और इससे क्या हो रहा था ना कि इंग्लैंड की जो कंपनी थी उनके लोगों को वो सैलरी पेड कर रहे थे जो इंडिया से रेमिटेंस जा रहा था। यानी सोचिए कितना ह्यूज अमाउंट में यहाँ से मनी जो है वो इंग्लैंड में जा रहा था कि इंग्लैंड के जितने भी एम्प्लॉयर थे उनको उनकी सैलरी मिल जा रही थी। ओके, तो ये सारा चीज़ हो रहा था। यानी इस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ फंड का इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक, किस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ? तो इस तरीके से नेचुरली जो है ना, इस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ फंड का। अब देखते हैं यूजेस ऑफ कोर्सन। कोर्सन का किस तरीके से यूज़ हुआ? यानी यहाँ पे ब्रिटेन को ना एक्सपोर्ट करना पड़ा, क्या अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना पड़ा, और वो क्या दिखा रहे थे कि ये इंडियन ट्रिब्यूट है। ओके, ट्रिब्यूट दिखाना चाह रहे थे। तो इंडियन आर्टिसंस जो थे ना उनको कुछ प्रॉफिट गेन नहीं हुआ, किसी भी तरीके से उस कंपनी से प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा था, और वो क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल पावर को यूज़ कर रहे थे। और जितने भी बंगाल के आर्टिसंस थे या फिर आपके वेवर्स थे उन सारे को ना अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ रहा था लो में और डिक्टेटेड प्राइस में। यानी जो प्राइस फिक्स था, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो चीज़ों का प्राइस फिक्स कर दिया गया था उसी प्राइस पे उनको सेल करना पड़ रहा था। और इससे क्या हो रहा था कि इंडिया के जो बंगाल के जो आर्टिशंस थे, जो बंगाल के लोग थे, उनको काफ़ी लॉस हो रहा था। जो कंपनी के सर्वेंट थे ना वो बंगाल के जो वेवर्स थे उनको रिस्ट्रिक्ट किए थे कि वो इतने सामान को ही बाई कर सकते हैं, इतने सामान को ही सेल कर सकते हैं। तो यानी कि जितने भी बंगाल के आर्टिसंस थे उन सबको ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, उन सबको जो है एक पाबंदी दी गई थी। जस्ट इमेजिन कि अगर आप कुछ सामान का उत्पत्ति कर रहे हो, आप कुछ सामान की प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप खुद चाहोगे ना कि उस प्रोडक्शन की आप दाम लगा सको, क्योंकि आपने जो मेहनत की है आप उस मेहनत की ना प्राइस लेना चाहते हो, आपने जो सामान खरीदा है उन सारे सामान के प्राइस का ही आप दाम लेना चाहते हो, तो आप ये ना डिसाइड करोगे। लेकिन अगर कोई और आके डिसाइड कर दे और ऐसा डिसाइड करे कि आपने अगर कोई एक चीज़ बनाया, अगर कोई टॉय बनाया है तो टॉय की पूरी टोटल रुपीज़ आपको 20 लग रही है, लेकिन कोई और आके बोले कि नहीं इस टॉय का दाम सिर्फ 5 रुपीज़ होगी, तो आपको कैसा लगेगा? आप तो पूरी तरीके से लॉस जा रहे हो। यानी आपका उस काम करने में इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा, आप नहीं चाहोगे कि वो काम करो। ओके, तो यही चीज़ हमारे इंडिया के वेवर्स के साथ हो रहा था, हमारे इंडिया के आर्टिसंस के साथ हो रहा था। ओके, और साथ ही साथ क्या हो रहा था ना कि वहाँ की जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी ना वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल भी लेके जा रहे थे, यानी रॉ कॉटन भी लेके जा रहे थे, और वहाँ पे वो महंगे दामों पर बेचते थे। ये सिस्टम हुई थी। ओके, इसको कहा गया है कोर्सन। ओके, यानी जो आप करना चाहते हो आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है, आपको उससे कम मिल रहा है और ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। ओके, तो उसके बाद देखते हैं खाटबंडी सिस्टम। तो खाटबंडी सिस्टम क्या थी कि वीवर्स जो थे ना, जो बुनाई करते थे, वो जो है काफ़ी बार अपने फैक्टर्स के द्वारा जो है हरास भी किए गए। यानी जो कोमास्टर्स की जो एजेंसी थी ना उनको जो है हराश करती थी। यानी हराश करना क्या, उनको ज़बरदस्ती किया जाता था कि आप ये सारे प्रोडक्ट्स को बनाओ, यानी आप टॉय को बनाओ, आपको कम दाम में बेचना पड़ रहा है, दैट्स ओके, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, आपके ऊपर जो है ये प्रेशर दिया जा रहा है। और उन्होंने जो है एक्सेप्ट भी किया था, जो क्लोथ को प्रोड्यूस करने के लिए उनको कहा गया था ना, तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे थे, साथ ही साथ वो अपने प्रोडक्ट को भी सेल कर रहे थे, किसमें? जो भी कंपनी की मार्केट प्राइस थी ना उससे कम में। और 1780 में क्या हुआ कि ये प्रैक्टिस जो है सिस्टमाइज्ड हो गई थी, और यहाँ पे जो है आपका खाटबंडी सिस्टम आ गया था। यानी आर्टिसंस जो है ना उनको एक सेल करना पड़ रहा था एक्सक्लूसिवली, जो कंपनी को करना पड़ रहा था, और वो भी रेगुलेशंस जो कि बंगाल गवर्नमेंट पास करते थे। ओके, यानी जो बंगाल गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस देते थे उसी के अकॉर्डिंग जो है बंगाल के आर्टिसंस और वेवर्स जो थे उसी में वो अपना सामान बेचते थे, उतने में वो अपना सामान का जो है सेल और बाई करते थे। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो आपको सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वो आपका इंडिगो के भी
प्रोडक्शन में भी था, यानी जो आपका रियोती सिस्टम के अंदर जो इंडिगो का प्रोडक्शन हो रहा था उसमें भी यही सिस्टम लगाया जा रहा था, यही कोएर्शन हो रहा था इंडिगो में भी। लोग क्यों यहाँ पे किसान जो है इंडिगो के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे चंपारण में, जस्ट बिकॉज कि जो उनका इंडिगो का कल्टिवेशन हो रहा था वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे थे कि आप इतना कल्टिवेशन आपको करना पड़ेगा और इंडिगो से ज़्यादा कुछ आपका फर्टाइल होता नहीं। वो हम लोग आगे देखेंगे, वो भी बातें आएगी क्योंकि वो मेजर चीज़ थी चंपारण सत्याग्रह था, तो वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में। आगे देखते हैं रियोती सिस्टम और असामी वार। अगर हम लोग टी के केस में देखें, जहाँ पे क्रॉप जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है और वहाँ पे क्या हायर्ड लेवल होते हैं, यानी लेबर्स को ना हायर्ड किया जाता है, उनको जो है कुछ सैलरी दी जाती है। अगर इंडिगो के केस में देखेंगे तो ये प्रिफर्ड सिस्टम है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि जिसमें कि आपको रायत होंगे और पीजेंट होंगे जो कि जितने भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स है ना उनको सप्लाई करेंगे काफ़ी लो प्राइस में। इनको रेवती सिस्टम कहते हैं। जो भी आप जितना भी आप प्रोडक्ट कर मतलब कि आप प्रोडक्ट ले रहे हो, बना रहे हो, प्रोड्यूस भी कर रहे हो और उसको बहुत ही कम मार्केट प्राइस से भी नीचे में बेच रहे हो, तो उसको रेवती सिस्टम कहते हैं, जो कि उस समय काफ़ी प्रचलन में था। पीजेंट जो है वो अपनी खुद की प्लाव यूज़ कर रही थी, खुद की बुलक यूज़ कर रही थी, जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्शंस को क्रॉप को और ज़्यादा बढ़ा सके, लेकिन उनको उतना पेड नहीं किया जा रहा था और जो कंपनी थी ना वो काफ़ी उनसे प्रॉफिटेबल दिख रही थी। उनको लग रहा था कि उनकी कंपनी काफ़ी प्रॉफिट हो रही है इस तरीके की अनप्रॉफिटेबल कल्टिवेशन से। उनको ये नहीं दिख रहा था ना कि इसमें जो हायर लेबर लेकर यानी वो जो हायर किए हुए हैं लेबर को उनकी उनके कारण जो है उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी कंपनी काफ़ी प्रॉफिट हो रही है। और ये जो अनप्रॉफिटेबल कल्टीवेशन था ना, इनसे वो जो जो भी टैक्स कलेक्टर का जो रिजिम था वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और साथ ही साथ एक एक मतलब कि लोग जो है ना यहाँ पे खरीद भी रहे थे चीज़ों को। अगर लो प्राइस में रहती है तो चीज़ें कैसे खरीदती है, सब बिकते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे क्रॉप जो है काफ़ी कम समय कम दामों में था, तो इंडिया में वो बिक भी रहे थे। भले वो इंग्लैंड में लेकर इसको ज़्यादा प्राइस में दे रहे थे, लेकिन इंडिया में ये कम प्राइस में ही था। बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे डोमिनेशन देखने को मिलेगा आपको मार्केट और प्रोड्यूसर्स का, यानी 1770 या 1780 के बीच में यहाँ पे आपका कोएर्सन की यूज़ करने से और स्टेट की पावर से, कंपनी से और उनके सर्वेंट से जो कि प्राइवेट ट्रेड में काफ़ी इंगेज थे, उन्होंने एक कलेक्टिव मोनोपोली का डेवलपमेंट किया जिसमें कि आपको सर्टेन कमोडिटीज़ देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली क्या था, तो कॉटन क्लोथ था जो कि बंगाल में था, और कंपनी जो है वो भी इस्टेब्लिश कर रही थी अपनी मोनोपोली जिसके थ्रू वो राइवल्स को एलिमिनेट करना चाहते थे, यानी कंपनीज़ के ऊपर जो है एक अथॉरिटी होना चाहिए, वो इस तरीके के इस्टेब्लिश कर रहे थे। इंडिया और साथ ही साथ फॉरेन मर्चेंट जो थे उनको रोका जा रहा था कि वो हायर प्राइस को ऑफ़र करें, यानी ये नहीं था उनके पास, ये ऑफ़र ही नहीं था, ऑफ़र क्या कह सकते हो, ये रूल्स ही नहीं था उनके पास कि उनके पास ये हक भी नहीं था कि वो ऑफ़र कर सके हायर प्राइस किसको, बंगाल हैंडीक्राफ्ट्स मैन को, और वो कमोडिटीज़ को भी हायर प्राइस में जो है ख़रीद सके डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर से। तो ये इंडियन और फॉरेन मर्चेंट्स को इस तरीके की चीज़ से रोका जा रहा था। इसके रिजल्ट में क्या हुआ ना कि जो मोनोपोली की सिस्टम थी, कोएर्सन की जो सिस्टम थी, यहाँ पे एक बायर मार्केट का क्रिएशन हुआ। इस तरीके की जो शॉर्ट पॉलिसीज़ थी ना, शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज़ जो कंपनी की थी, उससे क्या होता था ना कि क्विक और लार्ज प्रॉफिट बनता था जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अफेक्ट होता था या फिर पूरी इकोनॉमी जो आपकी इंडिया की थी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था, तो उस तरीके को कैसे यूज़ किया गया, यानी जो भी सामान हमारे यहाँ इंपोर्ट होकर आता था तो उस पर भी ना रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। जैसे कि जो इंडियन टेक्सटाइल है ना, उसमें क्या हुआ कि हेवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाने लगे जब वो इंग्लैंड में इंटर करती थी। जैसे हमारे यहाँ से तो काफ़ी जो सामान थी वो इंग्लैंड में जाती थी, लेकिन इंग्लैंड में एक समय के बाद क्या हुआ ना कि इंपोर्ट करने लगे, जितने भी इंपोर्ट होती थी ना हेवी इंपोर्ट होती थी, हेवी इंपोर्ट होने पे ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाने लगी। तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो अपने जो भी इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स थे ना उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। जब कभी भी ये एक लॉजिक है, जब कभी भी आप देखोगे ना किसी कंट्री में आपका हेवी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को अगर कोई कंट्री बढ़ा देते, जैसे इंडिया में भी कभी कभी ऐसा होता है कि चाइनीज़ मटेरियल को ज़्यादा ही इंपोर्ट होने लगता है हमारे इंडिया में, तो इंडिया क्या करते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा देते हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाने से क्या होता है कि हमारे जो खुद की जो हमारे इंडिया में प्रोडक्ट होने वाली, मैन्युफैक्चर होने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, तो उन सबको सेव किया जाता है, क्योंकि चाइनीज़ जो है काफ़ी सस्ते दामों पर वो यहाँ पर प्रोडक्ट देते हैं, तो हमारे मार्केट की जो कॉम्पिटिशन है ना, हमारी जो प्रोडक्ट की कॉम्पिटिशन है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। तो हम अपने जो इंडिजिनियस यानी हमारी खुद की जो इंडिया में बनी हुई सामान का जो भी प्राइस होता है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए और उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ना हम लोग इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाते हैं। तो इसी तरीके से कुछ हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा लो प्राइस में जा रहा था ना इंडिया की जो भी आपको रॉ मटेरियल्स दिखेगी या फिर कुछ भी जो फिनिश्ड गुड्स थी, तो इंग्लैंड में बहुत ही लो
लो प्राइसेस में जा रही थी, तो इंग्लैंड का जो खुद का जो जितना भी मैन्युफैक्चरर्स जो गुड्स था ना उस पर काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा था, वो काफ़ी एकदम ही वहाँ पे डिजास्टर्स हो गई थी। तो उस तरीके से इंग्लैंड वाले लोग सोचे कि अपनी जो खुद की जो उनका प्रोडक्ट था ना उस प्रोडक्ट को वो सेव करने के लिए जितनी भी इंडिया से उनके यहाँ इम्पोर्ट हो रही थी उस पर हेवी ड्यूटीज़ लगा दिए। जो कंपनी की खुद की जो शॉर्ट साइटेड पॉलिसी थी ना वो भी वहाँ पर सैंक्शन के साथ लगाया गया और इंडियन इम्पोर्ट के अगेंस्ट में लगाया गया। उसके बाद क्या हुआ ना कि इंडिया की जितनी भी कॉटन पीस गुड्स थी ना उनके एक्सपोर्ट की डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हेवी इम्पोर्ट देना पड़ रहा था, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ देनी पड़ रही थी, तो इंडिया की जो कॉटन प्राइस गुड्स है वो सब कुछ जो है उसकी एक्सपोर्ट कम होने लगी। जो वेवर्स की इनकम है, स्पाइनर्स की इनकम है, वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई। ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट उतना उनको पे नहीं करते थे जितना वो वर्क करते थे, लेकिन इतना और एक्सपोर्ट कम होने के बाद क्या हुआ कि वेवर्स और स्पाइनर्स की जो इनकम थी ना वो और कम हो गई। इससे क्या हुआ कि जो कैपिटल एक्यूमुलेशंस थी ना, यानी जो कैपिटल एक्यूमुलेट हो रही थी, एक जगह आ रही थी, और टेक्निकल जो इनोवेशंस हो रही थी उन सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लग गया। और यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्री के जो सेक्टर है ना उसमें आपको देखने को मिला है कि जो रियल ब्लो हो रहा था इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का वो 1813 में निकल कर आई थी। ऐसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सिस्टम था जिससे कि फ़ंड लिया जा रहा था इंडिया के बाहर लिया जा रहा था और इसमें परफेक्ट हो रहा था, और इंडिया की जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी यहाँ पे वीक हो रही थी, कंपनी के अधीन ही वीक हो रही थी। उसी सेम पीरियड में आप देखोगे कि ब्रिटेन जो है ना वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में स्टार्ट हो गया था, उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस बहुत हाईली बढ़ने लगा था और वो एक्सपेंड करने लगी थी अपनी खुद की इंडस्ट्री, धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगी थी। और जो इंडिया से वेल्थ था ना, यानी प्लंडर ऑफ बंगाल 1757 का, इंडिया से जो वहाँ पर वेल्थ था वो एक सिग्निफिकेंट रोल यहां पे प्ले कर रहा था, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी कैपिटल थे इंग्लैंड में उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए वो सारे यूज हो गए थे। ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, यानी 1760 से जो 1840 तक हुई, वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी ब्रिटेन की इकॉनमी। जो पहले जिस तरीके की इकॉनमी थी उससे कम्प्लीटली यहाँ पे ट्रांसफर हो गई और एक न्यू मार्केट निकल कर आई मैन्युफैक्चर के लिए। पर्टिकुलरली किस मैन्युफैक्चर के लिए, तो कॉटन मैन्युफैक्चर होती थी जो कि एक मेन व्हीकल था आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि ब्रिटेन में हुआ था। अब यहाँ पे ज़रूरत है कि रॉ मटेरियल का, जो कि पहले भी यहाँ पे रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी जिससे कि इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा था, इंडस्ट्री की ग्रो हो रही थी, तो जो होल बेसिस था ना इकोनॉमिक रिलेशंस का इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा था। जैसे कि इंग्लैंड जो है रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रहा था और वर्ल्ड की पहली इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट कंट्री बन गई थी, तो जो मर्चेंट कंपनी थी ना वो भी काफ़ी इंडियन इकोनॉमी को इंडियन एम्पायर को एक्वायर कर रही थी और साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट रोल भी प्ले कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आप बारे में देखोगे तो वो पावर को यूज़ करती है और यहाँ पे इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने की पोजीशंस भी देती है, जिससे कि मार्केट से वो ट्रांसफॉर्म करके इंडस्ट्रियल गुड्स जो होती है और यहाँ पे वो रॉ मटेरियल को सप्लाई करते थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अगर आप ब्रिटेन की बात करोगे तो ये इन्होंने काफ़ी कॉलोनियल पैटर्न को स्ट्रेंथन किया था जब ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स लॉन्च हुआ था पावरफुल कंपेन्स में, और वो भी कंपनी के अगेंस्ट में जो 1793 और 1813 से हुई थी। उसके बाद क्या हुआ ना कि जो भी मोनोपोली थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि जो उनको इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना था डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में इस्टेब्लिश करनी थी, तो अगर कंपनी को कोई एक या इंडस्ट्री को कोई एक आदमी अथॉरिटी उसका अगर उसमें एक आदमी रहे तो उसकी एक्सपेंड में ना एक ताला लग जाता है, एक थप्पा लग जाता है, वो कंपनी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाती है, एक आदमी कितना संभालेगा, बस वही बात होती है। तो इसीलिए मोनोपोली को यहाँ पे एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद जो भी फ्री ट्रेड की जो पॉलिसी थी ना वो भी इंट्रोड्यूस हुआ और उसके साथ अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी मिली ब्रिटिश गुड का इंडिया में, जो कि वहाँ की हैवॉक जो है ना पूरी तरीके से आपको रेक्ट होते हुए दिखेगी, जो कि इंडियन इंडिजिनस इंडस्ट्री थी ना उनकी खुद की जो इंडस्ट्री की पॉलिसी थी वो भी वहाँ पे वीक हो रही थी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि लैंकैशायर और पैसले और मैनचेस्टर्स ये जो थे कुछ प्रोमिनेंट सेंटर थे जहाँ पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर होती थी इंडस्ट्री में, और सराफ्स जो थे ना वो बैंकर्स थे जो कि काफ़ी मनी चेंजिंग में इंक्लूड थे। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म यानी 1813 से जो 1857 के बीच में हुआ था ये पीरियड है आपका फ्री ट्रेड का, यानी यहाँ पे ट्रेड हमेशा फ्री होती थी, यहाँ पे कोई हेवी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगती थी। तो इस एरा को हम लोग देखते हैं, इंडिया जो है उन्होंने एक मशीन को ओपन किया जो कि फॉरेन गुड से बना हुआ था, और ये जो पीरियड है ना यानी 1813 का वो एक क्लासिकल एज कहा जाता है जिसमें कि फ्री ट्रेडर्स इंडस्ट्रियल जो कैपिटलिस्ट है ना वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे। जो 1813 का ईयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जो भी आपको
कॉलोनियल की हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इंडिया की जो एक्सप्लॉयटेशंस थी ना वो भी इसमें बढ़ती जा रही थी, जिससे क्या हुआ कि कंपनीज़ की जो मोनोपोली है वो भी इंडियन ट्रेड में ख़त्म हो रही थी। कमर्शियल पॉलिसी अगर आप देखोगे ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो भी 1813 के बाद, तो वो किसके द्वारा गाइड किया गया है, ये आपका ब्रिटिश इंडस्ट्री के द्वारा गाइड किया गया था। और यहाँ पे जो मेन एम है ना, इसमें इंडियन को ट्रांसफॉर्म किया जाता था ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स के द्वारा, और यहाँ पर रॉ मटेरियल्स का भी सप्लाई होता था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो गवर्नमेंट थी ना इंडिया की, वो फॉलो करती थी जो भी आपका फ्री ट्रेड की पॉलिसी थी, और यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड जो एंट्री होता था ब्रिटिश गुड का, उसको भी अलाउ किया गया था। इंडिया की जो हैंडक्राफ्ट है वो भी अनइक्वल कंपटीशन को फेस करती थी। और यहाँ पे मशीन से, जिसमें कि आपको गुड देखने को मिला होगा, जो गुड बनता था, और यहाँ पे एक्सटेंशन भी फेस करती थी। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है ना, वो भी ऑलरेडी काफ़ी चीज़ लॉस कर चुकी थी फॉरेन मार्केट में, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी था इम्पोर्ट पे। अब देखते हैं वन साइडेड फ्री ट्रेड। वन साइडेड फ्री ट्रेड का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो फ्री ट्रेड था ना वो सिर्फ वन साइडेड था, यानी एक तरीके से था, दोनों कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड नहीं थी। इंडिया जो थी उनमें एक ओपन हो गया था फॉरेन गुड्स का, और इंडियन प्रोडक्ट जो थी ना वहाँ पे हेवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती थी ब्रिटेन में। ओके, ये भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, 1824 में 67% जो ड्यूटी थी ना वो इंडियन के कैलो कॉस्ट में लगाया गया था, और 37% जो ड्यूटी थी वो इंडियन मुस्लिन में लगाया गया था। ड्यूटी जो इंडियन सुगर में थी ना वो 3 times थी जितना भी आपका कॉस्ट प्राइस था, और यहाँ पे सर्टेन आइटम्स में आप देखोगे तो वो बहुत हाई हो गया था। एटलीस्ट यहाँ पे 400% आपको इम्पोर्ट ड्यूटीज देखने को मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है ना वो इंग्लैंड तक थी, जो भी डिक्लाइन होने लगी, और ये चेंज कर रहा था आपका कैरेक्टर, जो इंडो ब्रिटिश ट्रेड की जो कैरेक्टर होती है ना इसको एक्सचेंज कर रहा था। इसके बाद क्या हुआ ना कि इंडिया जो है एक चीफली आपका गुड्स का इम्पोर्टर बन गया था उसी सेम पीरियड में। तो ये आपका था वन साइडेड फ्री ट्रेड, यानी वन साइडेड फ्री ट्रेड किसके लिए था, इंग्लैंड के लिए था। इंडिया के लिए यहाँ पे वन साइडेड फ्री ट्रेड नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड इंडिया के बहुत सारे गुड्स पे जो है ना हेवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लग रही थी, तो वो तो इसके लिए फ्री ट्रेड नहीं हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडियन इकॉनमी टर्न इनटू ए कॉलोनियल इकॉनमी। कैसे जो है इंडियन इकॉनमी पूरी तरीके से कॉलोनियल इकॉनमी में टर्न हो गई। कॉलोनियल कहने का मतलब है कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रहे थे तो उस पीरियड को हम लोग कॉलोनियल कहते हैं। तो ग्रेजुअली क्या हुआ ना कि इंडियन इकॉनमी पूरी तरीके से टर्न हो गई आपकी कॉलोनियल इकॉनमी में, यानी कि यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल का सप्लाई होने लगा और फिनिश्ड गुड की मार्केट आ गई। यहाँ पे आपका एक चेंज जो हुआ था ना वो इंडियन एक्सपोर्ट्स के कंपोजिशन में हुआ था, जो कि आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से लेकर प्राइमरी प्रोडक्ट तक हुआ था। जो लोकल हैंडीक्राफ्ट जो आपका इंडस्ट्री था ना वो भी डिस्ट्रॉयड हो गया था, और इंडिया जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो गई थी आपका एग्रीगेरियन इकॉनमी में। यानी पहले हमारी इंडिया की इकॉनमी कैसी थी, तो मैन्युफैक्चर थी, यानी हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे हमारा वर्चस्व पूरी तरीके से दबा दिया गया और हमें सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिश कॉलोनियल के द्वारा। तो हम लोग जो है पूरी तरीके से जो सेक्टर 2 इकॉनमी था सेक्टर 1 में ट्रांसफ़र हो गए। सेक्टर 1 आपका होता है एग्रेरियन यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेक्टर 2 होता है आपका मैन्युफैक्चर सेक्टर। तो पहले हम लोग सेक्टर 2 पे वर्क करते थे, लेकिन पूरी तरीके से हमें सप्रेस करके, हमें दबा के, हमें ज़बरदस्ती यानी फोर्स करके हमें एग्रीगेरियन इकॉनमी में यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। जितनी भी जनरल चेंज यहाँ पे देखने को मिली ना इंडियन फॉरेन के कंपोजिशन में, जैसे कि आपका ट्रेड हो गया, या फिर इसकी रिजल्टेड इम्पैक्ट जो था वो कंट्रीज़ के डोमेस्टिक इंडस्ट्री में देखने को मिला होगा। और यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरियन भी थे, जैसे कि आपका आरसी दत्त थे, या फिर मदन मोहन मालवीय थे, बिपिन चंद्रा भी थे, जो कि काफ़ी फेनोमेना को यहाँ पे डिस्क्राइब किए थे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है और इंडियन इंडस्ट्री के किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रही है। ओके, कुछ और चेंजेस अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग चेंजेस देखते आ रहे हैं ना कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे यहाँ सत्ता पे आई थी, हमारे यहाँ जब रूल करने लगी थी, तो किस तरीके से इंडिया की जो इकॉनमी है उसमें इम्पैक्ट हुआ था। ओके, तो अदर चेंजेस क्या हुआ था कि यहाँ पे इंडिया ट्रांसफॉर्म हो गई थी पूरी तरीके से कॉलोनियल इकॉनमी में, और जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ की गवर्नमेंट है ना वो भी इसमें आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिला होगा। यानी यहाँ पे आपको फ्रेश कंक्वेस्ट देखने को मिला होगा, जिसमें कि नंबर ऑफ बायर्स जो ब्रिटिश गुड के थे ना वो इंक्रीज़ हो गए थे। और यहाँ पे आपको वेस्टर्नाइजेशन भी देखने को मिला होगा इंडिया में, जिसके थ्रू इंडिया जो है वो डेवलप कर पाए और ब्रिटिश गुड्स के टेस्ट को भी वो लोग डेवलप कर पाए। बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और जो लीडर थे वो रिकमेंडेशन करते थे, वो रिकमेंड देते थे कि जो लैंड रेवेन्यू है ना उनका रिड्यूस होना चाहिए, यहाँ पे इंडियन पीसेंट्स को छोड़ना चाहिए जो कि बेटर पोजीशन में हो, ताकि वो ब्रिटिश गुड को यहाँ पे ख़रीद सके। बिग फार्मर्स जो है यहाँ पे इंक्रेज होना चाहिए उनको, कि वो अपनी कैश क्रॉप के जो प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज़ करे। ओके, जिससे कि उनका फूड ग्रेन प्राइस भी जो है वो राइज़ हो जाए। यहाँ पे ब्रिटिश गुड की सेल होना चाहिए, जिसमें कि रिमोट कॉर्नर में आपको देखने को मिला इंडिया में, और ट्रांसपोर्ट करे फैसिलिटीज़ जो कि डेवलप्ड हो, और पर्टिकुलरली किस एरिया में, तो रेलवे एरिया में।
यहाँ पे फिजिकल कैपिटलिज्म का भी एरा था, ओके, जो कि आपका 1857 से 1947 तक चला। तो अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, साथ ही साथ जो कॉलोनीज़ की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, बर्बादी हो रही थी, यहाँ पे बहुत सारे कैपिटल्स जो है एकुमुलेट हो रहे थे ब्रिटेन में। साथ ही यहाँ पे प्रॉपर्टी, जो इंडस्ट्रीज़ की जो प्रॉपर्टी थी वो भी इंक्रीज़ हो रही थी। जो लेबर क्लास थी वो भी काफ़ी मोटिवेटेड हो रहे थे कि वो यूनाइट हो सके, एक साथ हो सके। दूसरे हैंड में क्या था कि यहाँ पर आपका लेबर क्लास का जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो रहा था, जिसके थ्रू इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो थोड़ा अनईजी फील कर रहे थे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक फील इंक्रीज़ हुई थी, जो कि फील एक स्टार्ट हुआ था जिसमें कि आपको लेबर क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज़ हुई थी। इसके साथ क्या हुआ ना कि जो भी नेगोशिएटिंग पावर थी और जो उनकी प्रॉफिट थी ना वो डिक्रीज़ होने लगी। बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंग्लैंड में है उसमें क्या है कि नेगोशिएटिंग जो पावर होती है ना लेबर की, वो इंक्रीज़ होने लगती है। इससे क्या होता है उस समय में कि जब आपका कम्युनिस्ट, जो आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी ना मार्क्स के द्वारा और जो इंगल्स के द्वारा, वो भी पब्लिश हो रही थी इंग्लिश लैंग्वेज में। इससे क्या हुआ कि एक अप्रोप्रिएट आपको देखने को मिला कि कैपिटल को किस तरीके से इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इससे एक न्यू एरा कैपिटलिज्म की वो निकल कर आई थी। अगर मॉडर्न टाइम में आप देखोगे तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें कैपिटल का काफ़ी इन्फ्लो होता है, जो कि डोमेस्टिक रिसोर्सेज को वो सप्लीमेंट देती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और अनफॉर्चुनेटली क्या है, जो कैपिटल इनफ्लो है कॉलोनियल एरा में, वो आपका कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो कि आपका इंडियन इकॉनमी के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन अगर आप एक्सप्लॉयटेशंस को पूरी तरीके से पूरा करना चाहते हो इंडियन रिसोर्सेज में, तो ये यूज़ हो रहा था। लेकिन ब्रिटिश जो थे ना यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, यानी कॉटन पे या फिर आयरन में वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो कैपिटल है ना वो ब्रिटेन की इंडस्ट्री के साथ कॉम्पीट कर सके। तो इन्वेस्ट करने के अलावा वो क्या किए कि वहाँ पे वो कंप्लीमेंट्री कर दिए ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को और इन्वेस्टमेंट को, कि वो कोई भी प्लान नहीं करे, कोई तरीके से प्लान नहीं करे जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है इंडिया में हो सके। यानी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये राज था, ये चालाकी थी कि वो ऐसा चाहते थे ना कि इस तरीके का वो कि डेवलपमेंट इंडिया में हो, कि इंडिया में कुछ तो डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जो इंग्लैंड में ऑलरेडी हो चुका है। ताकि क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था ना, इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि सारी रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल थी, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव वर्क भी बहुत होता था, यानी लेबर भी बहुत अच्छे लेवल पे काम करते थे और काफ़ी मेहनती भी थे। तो ब्रिटिश लोग चाहते थे कि इंडिया में वैसा कुछ काम ना हो सके, उस तरीके का मैन्युफैक्चर सेक्टर ना डेवलप हो पाए, उस तरीके का एग्रीकल्चर सेक्टर ना डेवलप हो जाए, जिसके थ्रू क्या होगा कि हम लोग वर्ल्ड लेवल पे ना इंग्लैंड को कॉम्पीट करने लगेंगे। तो उनको लगा कि इंग्लैंड में तो आपको देख रहे हो कि वर्ल्ड का पहला जो है इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो डेवलप हो रहा था, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी एक ऐसा दूसरी कंट्री निकल कर आए जो कि इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना उनको टक्कर दे सके। इसलिए वो क्या करें ना, धीरे धीरे हमारे जो लोग थे इंडिया के उनको प्रेस करना स्टार्ट किए थे। अब देखते हैं ब्रिटिश की कैपिटलिस्ट जो कि इंडिया में वो इन्वेस्ट कर रहे थे, ब्रिटिश की जो कैपिटलिस्ट थी ना वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रही थी इन्वेस्ट करने के लिए। जो टी प्लांटेशन था, जूट था, कोल था, माइनिंग था या रेलवे था, इनमें वो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, जो कि सेंचुरी के एंड में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पोर्ट भी बनवाए थे, और जो ब्रिटिश थी वो हेवीएस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इंडिया में रेलवे बनाने का। हमारे यहाँ जो रेलवे बनाए वो तो ब्रिटिश ही वाले बनवाए थे ना, तो वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे थे कि जिससे कि रेलवे का डेवलपमेंट हो पाए। और इसमें भी ना वो अपना ही कहीं ना कहीं अपनी ही सेल्फिशनेस के लिए ही वो कर रहे थे, ओके, जिसमें कि एक कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड जो है ना वो ब्रिटिश की पूरी हो सके। जो भी वो डेवलपमेंट कर रहे थे ना वो बस अपनी सेल्फिश के लिए कर रहे थे, इंडिया की बेसिकली डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहे थे। तो जो रेलवे उन्होंने बनवाई थी वो भी अपनी डेवलपमेंट के लिए कर रहे थे, क्योंकि जो भी उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी फार्मर्स के थ्रू हो रहा है, जितने भी लोगों के थ्रू हो रहा है, तो उन प्रोडक्शंस को ईजिली जो है दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर पाए, दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र कर पाए, जिनसे कि उनका जो लेवल है ना वो और इंक्रीज़ हो जाए। रेलवे के बाद उन्होंने किस पे इन्वेस्ट किया, तो रेलवे के बाद उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो प्लांटेशन क्रॉप के डेवलपमेंट में किया। तो कैपिटल जो इन्वेस्ट हो रहा था इंडिया के इंडस्ट्री में वो आपका इंडियन मार्केट के थ्रू कैप्चर किया जा रहा था, और जो चीप लेबर की अवेबिलिटी थी ना वो भी आपका एडवांटेज को काफ़ी ऐड कर रहा था। कैपिटल की इन्वेस्टमेंट अगर आप इंडिया में देखोगे तो ये पब्लिक डेट के थ्रू जो है वो पूरी तरीके से हुआ था, ओके, तो आप देख लिए कि कैपिटल जो है ब्रिटिश की कैपिटलिस्ट जो थी वो किस तरीके से इंडिया में इन्वेस्ट की। पहले तो ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि इंडिया में कोई भी इन्वेस्ट करे, इंडिया में इन्वेस्ट करना यानी कि इंडिया की डेवलपमेंट, तो वो पहले रोक रहे थे। लेकिन बाद में वो सोचे कि इस तरीके से डेवलप करते, इस तरीके से इन्वेस्ट करते कि जिससे उनका ही अल्टीमेटली फ़ायदा हो, ओके। नेक्स्ट क्या हुआ कि यहाँ पे ओपनिंग अप इंडिया, यानी आफ्टर 1813, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1813 तक हम लोग का क्या हुआ कि रेलवे का काम पूरा हो रहा था।
यानी हर एक एज में यहाँ पे फेवरेट कैच वर्ड्स थी। यानी 19वीं सेंचुरी यूरोप में आप देखोगे तो यहाँ पे ओपनिंग अप इंडिया थी और चाइना थी, और कुछ जो चीज़ थी ना यहाँ पे अफ्रीका में होने लगी, एशियन कंट्री में होने लगी, जिसमें कि यूरोपियन की जो कैपिटल और कॉमर्स थी ना यहाँ पे वंडर्स थी, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आया था। अगर ओपनिंग आपका मतलब आप समझोगे तो यहाँ पे कंट्री को प्रिपेयर किया जाता था कि वो ब्रिटिश गुड को रिसीव करे, इंडस्ट्रियल गुड को रिसीव करे, और इंडियन के कंटेक्स्ट में जो है ना यहाँ पे रेलवे डेवलपमेंट हो रही थी। ओके, तो इस तरीके का डेवलपमेंट देखा जा रहा था। बहुत सारी इंटरेस्टेड ग्रुप थी जो कि यहाँ पे बिगन हुई थी, स्टार्ट हुई थी, जिसके थ्रू ब्रिटिश को ये प्रेशराइज किया जा रहा था, इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो रेलवे कंस्ट्रक्शंस करे इंडिया में। जो ब्रिटिश की मैन्युफैक्चरर्स थी ना वो एक होप कर रही थी कि एक तरीके का वास्ट और अनटैप्ड मार्केट जो है वो ओपन हो पाए इंडिया के इंटीरियर में, साथ ही साथ यहाँ पे फैसिलिटेट करे जिसमें कि रॉ मटेरियल को कलेक्शन कर पाए जितनी भी इंटीरियर है, साथ ही साथ उनकी हंगरी मशीन्स भी जो इंग्लैंड में है वो भी अच्छे से फिड हो पाए, और जो इन्वेस्टर्स है, जो बैंकर्स है, वो भी रेलवे में जो है ना इंडिया में जो रेलवे है उनको देख सके, जिसमें कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो सके सरप्लस कैपिटल के लिए। जो ब्रिटिश थी वो स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए वहाँ पर वो इन्वेस्ट करना चाहती थी, और स्टील प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर थे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी ना वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उनको उनकी कुछ व्यूज़ थी और एडिशनल मेरिट थी जो डिफेंस के लिए वो लगाना चाहते थे, साथ ही साथ वो रेलवे को यूज़ करते थे जिसके थ्रू वो बेटर कंट्रोल करे और दूसरे दूसरे टेरिटरी में भी वो एडमिनिस्टर कर पाए, स्पीडी मूवमेंट हो सके उनके आर्मीज़ का, और यहाँ पे इंटरनल रेबिलियन की भी टाइम हो और एक्सटर्नल रेबिलियन के भी टाइम पे उनकी स्पीडी मूवमेंट हो सके आर्मी का। क्लियरली अगर यहाँ पे देखें तो जो प्राइमरी कंसेंट्रेशंस था ना, कंसेंट्रेशंस जो था रेलवे के कंस्ट्रक्शंस के पीछे इंडिया में, तो वो था कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इंटरेस्ट जो ब्रिटिश इंपेरियलिज्म का था वो वहाँ पे शो हो रहा था। तो इससे क्या हुआ कि रेलवे जो है वो फैसिलिटेट करेगा जिसमें कि ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रियल गुड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा इंडिया के पूरे इंटीरियर में, और साथ ही साथ ये फैसिलिटेट करेगा कि जिसमें कि रॉ मटेरियल्स को इंडियन इंटीरियर से जो है कलेक्ट कर पाएंगे और वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि जो ब्रिटिश की कैपिटल है उनका इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो रेलवे कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे जो कि इंडिया में ऑपरेट होगा। ओके, तो जो लॉर्ड डलहौजी थे ना वो आपको देखने को मिलेगा कि रेलवे के टाइम पे थे, और उनका व्यू क्या था कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए जितने भी डिस्टेंट पार्ट है कंट्री के, और साथ ही वहाँ पे मूवमेंट जो आर्मी का होता है ना उसको अलाउ करना चाहिए, जिसके थ्रू जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होते हैं उनको कंक्योर कर सके, उनको जो है शांत कर सके। जितने भी इंडियन रेलवे कंपनीज थी वो इंग्लैंड में ही सेटअप हुई थी, और कैसे, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के थ्रू। अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश इन्वेस्टर्स को काफ़ी इंकरेज किया जा रहा था कि वो शेयर्स को खरीदे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑफर कर रही थी एक गारंटी जो कि एटलीस्ट 5% था उनके इन्वेस्टमेंट का। और इस तरीके से क्या हुआ कि जितने भी इंडियन रेलवे कंपनीज है ना वो रियलिटी में इंग्लिश कंपनीज़ को प्रोटेक्ट करते थे, वो भी गारंटीड इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट से। जो रेलवे का डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा था तो उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, इससे इम्पैक्ट जो था ना वो काफ़ी तरीके से नेगेटिव हुआ। यानी गवर्नमेंट की जो गारंटी थी ना इंटरेस्ट में, उसमें क्या हुआ कि प्रॉफिट और लॉस भी थी, इंटरेस्ट जो था वो पेड किया जाता था वो भी इंग्लिश इन्वेस्टर्स के बाहर, और वो भी इंडिया के बाहर जो कि टैक्स पेयर्स मनी थे, जिसके थ्रू आपको देखने को मिलेगा कि ये इंकरेज करते हैं ओवर एक्सपेंडिचर, मिसमैनेजमेंट जो कि रेलवे कंस्ट्रक्शंस में होता था। रेलवे कंपनी जो है ना वो इंपोर्ट करती थी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, साथ ही यहाँ पे इंक्रीज़ भी होता था इंडिया का फॉरेन का एक्सचेंज एक्सपेंडिचर। ओके, जो रेलवे फ्रेट रेट्स थी ना, फ्रेट मीन्स जो मालगाड़ी होती थी ना रेलवे की, वो उसको फ्रेट रेट्स जो थी वो भी फिक्स हुआ करता था कि जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगे तो उनके फेवर में इसको फिक्स करेंगे, और डिस्क्रिमिनेट जो है वो मूवमेंट जो जितनी भी इंडिया की बनी हुई गुड्स होती थी ना उसके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता था, मतभेद भी होती थी। तो ये जितने भी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, यानी जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रही थी रेलवे के डेवलपमेंट से, तो रेलवे जो है ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इसके साथ दिया। इससे क्या हुआ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, स्किल्स आया इंडिया में, साथ ही साथ जो कंट्री की यूनिफाई थी ना वो भी सर्व्ड हो पाया, और यहाँ पे एक कॉमन मार्केट बन पाया। रेलवे जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लेंथ भी बढ़ाई, ब्रेडथ भी बढ़ाई इंडिया की, साथ ही साथ पीपल्स को जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रहते थे उनको क्लोज लाए, उनमें कांटेक्ट भी बढ़ा, उनमें बातें होने लगी, वो सारे जो है एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के पास आने लगे। तो जो डिफरेंट क्लास के जो लोग थे ना वो भी सेम टिकट बाय करते थे, ट्रैवल करते थे, वो भी सेम कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते थे, क्योंकि उस समय तो बहुत ज़्यादा कैटेगराइजेशन था ना, कास्ट का कैटेगराइजेशन था, लोगों में जो अमीर थे वो अलग रहते थे, जो गरीब है वो अलग रहते थे, तो काफ़ी कैटेगराइजेशन था। लेकिन रेलवे में क्या हुआ कि लोग सेम टिकट लेकर वो सेम कंपार्टमेंट में बैठते थे, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो इंटरेक्ट कर सके, यूनाइट कर सके, और फाइनली जो है एक वन नेशन के जैसा वो इमर्ज हो सके। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ लोगों ने कहा है, जैसे DH बुचानन ने कहा था कि जो आपका आइसोलेटेड सेल्फ सफिशियंट जो विलेज है ना
वो आपका स्टील रेल के द्वारा ही यहाँ पे सर्व किया गया है, और लाइफ ब्लड जो है यहाँ पे होगी। और एडविन आर्नोल्ड ने कहा था, लिखा था 1865 में, जो रेलवे है ना वो इंडिया के लिए अच्छा करेगी, और हर एक डायनेस्टी में, क्या डायनेस्टी ने नहीं किया, वो रेलवे अब कर दिखाएगी। और ये जो है अकबर ने, अकबर के द्वारा जो जीनियस ऑफ अकबर थे ना, उनकी गवर्नमेंट को ये इफेक्ट नहीं करेगी। कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे करेक्टली प्रोजेक्ट किया था कि जो रेलवे है ना वो फॉर रनर है आपका मॉडर्न इंडिया के लिए, मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखें कि किस तरीके से इकॉनमी में हमारा इम्पैक्ट पड़ा, किस तरीके से रेलवे की डेवलपमेंट हुई, किस तरीके से ब्रिटिश जो है हमें सप्रेस करने लगे, किस तरीके से उन्होंने जो है हमें मैन्युफैक्चरर सेक्टर से पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके हमें एग्रीगेरियन सेक्टर में लेके आए, किस तरीके से हमारे इंडिया में कॉन्टैक्ट बढ़ी, रेलवे आने से हमारे ऊपर क्या एक पॉजिटिव हुआ, उनके ऊपर क्या नेगेटिव हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखें। नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर में चेंजेस आई, और इससे हमारे इकॉनमी में कैसे इम्पैक्ट पड़ा। और आज की भी डेट में जो हमारा इंडिया है, तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग फंसे हैं या इंगेज है, तो क्यों है और ये कहाँ से निकल कर आया ना, ये पूरा आपको आंसर इस टॉपिक के अंदर मिलेगा। ओके, तो आज मैं लेसन यहीं पे एंड करती हूँ। एक्चुअली काफ़ी लेट हो गई है, ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि अभी मैं अपलोड कर पाऊँगी या नहीं, नहीं तो आज की इवनिंग में आपकी ये लेसन ज़रूर अपलोड हो जाएगी, क्योंकि मुझे किसी बेसिक काम से, बहुत ज़रूरी काम से बाहर जानी है, तो मैं देखती हूँ। ओके, मुझे टाइम मिलेगी तो मैं अभी कर दूँगी, नहीं तो इवनिंग में आपकी ये लेसन ज़रूर मस्ट एंड मस्ट यहाँ पर आपको अपलोड हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू गाइस, और आपको ये अगर लेसन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर भी आपको कोई डाउट, क्वेरीज या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।